होली के दौरान हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाल ने वरिष्ठ नागरिकों की बैठक करते हुए होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर कोतवाल डीआर वर्मा ने कहा कि शराब पीकर उत्पात मचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। होली में हुड़दंगियों से निपटने के लिए बागेश्वर पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक रचिता जोयाल के निर्देश पर कोतवाल डीआर वर्मा ने कोतवाली में वरिष्ठ नागरिकों की बैठक करते हुए सभी से होली के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि होली का त्यौहार शांति और सौहार्द का प्रतीक है, इसमें हुड़दंग का कोई स्थान नहीं है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने भी होली को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर पुलिस को कई सुझाव दिए हैं। तो किस तरह की डिसीजन इसमें लिए गए, क्या इसका मकसद था बैठक का? होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। होली को सकुशल संपन्न करने के लिए सभी ने अपनी अपनी राय दी, उस राय पे जो है काम किया जा रहा है और होली सकुशल संपन्न कराया जाए। लोगों से किस तरह की सुझाव आए थे ये बताया जा रहा है, हुड़दंग को लेकर किस तरह से पुलिस इनसे निपटेगी? हाँ, इसके लिए पुलिस ने अपनी रणनीति बना रखी है। आम जनता होली भी खेलेगी, मगर उनको ये भी देखना है कि दूसरे की जो है कि होली में जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और होली त्यौहार होली खेलने के लिए ही है, तो सभी लोग सकुशल होली खेलें और दूसरों को प्रॉब्लम ना करें, इसके लिए हमने पूरी रणनीति बना रखी। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।